स्वागत है आपका जीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर सवाल खड़ा हो रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया, लेकिन अब इस मामले में 9 जून को सुनवाई होगी। साथ ही इस मामले को लेकर बवाल और नेताओं में गहमागहमी भी शुरू हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देश भर में वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी मंदिर केस सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ज्ञान व्यापी मामले में महिला वादियों में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। 5 में से एक वादी महिला 10 मई को अपना केस वापस लेने जा रही है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत दूसरे देवी देवताओं की पूजा और मूर्तियों की सुरक्षा की मांग को लेकर 5 महिला वादियों में से एक ने अपना केस वापस लेने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची थी। महिला वादियों ने कोर्ट से कहा था कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले की परंपरा के मुताबिक साल में 2 बार ही पूजा होती थी, लेकिन इन महिलाओं की मांग है कि परिसर में मौजूद दूसरे देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, जिसके बाद ये महिलाएं कोर्ट में आई। इस अपील पर सिविल जज ने परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद लगातार 3 दिन तक होने वाला सर्वे 2 दिन तक भी नहीं हो पाया था। अब इस मामले में 10 मई को फिर से सुनवाई होनी है। इस बीच पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए अयोध्या जैसे एक और मुद्दे की तलाश में है, क्योंकि वो नौकरियों, महंगाई और अच्छे दिन पर राजनीति नहीं लड़ सकते, इसलिए मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर एक टिप्पणी को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ओवैसी की देशद्रोह के मामले में गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS नफरत के युग को 1990 के दशक के रूप में फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उस समय वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर उठे विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। इसी पर बीजेपी सांसद यादव ने कहा कि ओवैसी की मंशा को समझने की जरूरत है। ओवैसी देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं और वो जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का सवाल है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, और जब निचली अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी तो अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। वैसे ही मामला जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है, इससे ये मामला जल्दी ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नेताओं ने एक बार फिर से अपनी राजनीति की रोटियां सेकना शुरू कर दिया है, जिससे मामला खूब तूल पकड़े हुए है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे चिकन न्यूज के साथ।